खबर मध्य प्रदेश की उमरिया जिले के पाली सहित जहाज नगर में झोलाछाप डॉक्टरों की अवैध क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया गया है। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए पाली बीएमओ ने जानकारी देते हुए कहा है कि कलेक्टर उमरिया कृष्णदेव त्रिपाठी के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लेख किया गया है कि बीते कुछ समय से झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा बिना किसी पंजीयन के अवैध क्लिनिकों का संचालन हो रहा है, जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। कलेक्टर उमरिया के निर्देश के पालनार्थ पाली नगर के 5 झोलाछाप डॉक्टरों की अवैध क्लिनिक को स्वास्थ्य राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमार कार्रवाई कर सील कर दिया है। उक्त क्लिनिकों को सील कर आगे की कार्रवाई के लिए आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं कलेक्टर उमरिया के पत्र की बात करें तो उस पत्र में जिले के सभी मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारियों, जिसमें करकेली, पाली, मानपुर को झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था, जिसके पालन में केवल एक ही ब्लॉक में कार्रवाई की गई है। शेष 2 खंड चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर उमरिया के आदेश को झोला में डाल दिया है। अब देखना होगा कि आखिर कलेक्टर के आदेश का पालन सभी जगह होगा या फिर मानपुर एवं करकेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की जाएगी। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। कुछ समाचार पत्रों से कुछ न्यूज आ रही थी कि झोलाछाप कुछ मरीज बिगाड़ रहे हैं, तो कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जो टीम गठित की गई है, बीएमओ हमारे स्वास्थ्य विभाग से, एसडीएम साहब के यहाँ से नायब तहसीलदार साहब गए थे और SDOP साहब के यहाँ से SI साहब गए थे हमारे साथ, तो इस टीम के द्वारा आज जिन डॉक्टरों पर कार्रवाई की, जिन क्लिनिक पर कार्रवाई की, ये निम्नलिखित 5 हैं। पहला पाली में डॉक्टर TC विश्वास थाना रोड पाली, डॉक्टर RN राय थाना रोड पाली, डॉक्टर रमेश गुप्ता वार्ड क्रमांक 5 पाली, डॉक्टर रंजीत सरकार रेलवे स्टेशन, डॉक्टर RV सिंह मलियागुड़ा पाली। इनका क्लिनिक सील कर दिया गया है। ये अब मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तो जो शासन निर्देश दिए मैंने उनको सील कर दिया। आगे कुछ क्या कार्रवाई है? आगे अब इनको भेजा जाएगा कि पंजीयन की कार्रवाई कराएं, उसके बाद पंजीयन पश्चात जो निर्देश मिलेंगे वैसा काम करेंगे। वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये RHM DHM इस तरीके की डिग्रियाँ हैं। कुछ दवाइयाँ भी मिली हैं? दवाइयाँ तो एलोपैथिक से ही करते हैं। तो मैंने विगत 15 दिन पहले भी BMO को पत्र जारी किया था, जिसमें एक खंड स्तरीय समिति रहती है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, SDOP और SDM इसके सदस्य रहते हैं, उन तीनों को मिलकर ये झोला छाप या अवैध प्रैक्टिस कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जानी रहती है। उस तंत्र को ठीक करने के लिए आज पुनः मैंने पत्र यहाँ से जारी किया है और उनसे कहा है कि आप कार्रवाई करके 2 दिन के अंदर मुझे अवगत कराएं, जिससे इन पर लगाम लगाया जा सके।